नमस्कार दोस्तों, व्यापार मंच में आपका फिर से स्वागत है। सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड प्रेस करें इस बेल आइकन को। दोस्तों, इनकम टैक्स अथॉरिटी ने अप्रैल में नए टैक्स रिटर्न फॉर्म्स को नोटिफाई कर दिया है जो एप्लीकेबल है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2017 एंड 18। कोई भी इंडिविजुअल जिसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2017 एंड 18, उसे अपनी रिटर्न 31 जुलाई से पहले पहले फाइल करनी होगी। ये 31 जुलाई वाली डेडलाइन उन इंडिविजुअल्स या पार्टनर्स ऑफ फर्म पर एप्लीकेबल नहीं होगी जिनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट होना है। दोस्तों, अलग अलग तरह से पैसा कमाने वाले डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एसएससीज के लिए टैक्स रिटर्न फॉर्म भी अलग अलग ही यूज होते हैं, और सही इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म चूज करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपने गलत फॉर्म फिल कर दिया तो आपकी आईटीआर डिफेक्टिव हो जाएगी। एक सही इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म सेलेक्ट करने के लिए आपको बहुत से फैक्टर्स ध्यान में रखने होते हैं, जैसे कि टाइप ऑफ इनकम, क्वांटम ऑफ इनकम, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ असेसी एक्सेट्रा। तो आज के वीडियो में हम आपके इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे कि आपको कौन सा इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म फिल करना है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला फॉर्म आता है ITR 1 और सहज। वो इंडिविजुअल ITR 1 और सहज फॉर्म फाइल कर सकते हैं जिनकी इनकम हो सैलरी से या पेंशन से, एक हाउस प्रॉपर्टी से। इसमें वो केस एक्सक्लूड होंगे वेयर लॉस इज ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो। अदर सोर्सेज में विनिंग फ्रॉम लॉटरी और इनकम फ्रॉम रेस सोर्सेज एक्सक्लूड होगा। कौन कौन ITR 1 फॉर्म यूज नहीं कर सकते? दोस्तों, अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो ये फॉर्म आपके लिए नहीं है। अगर आपके पास फॉरन एसेट्स हैं तब भी आप इस फॉर्म को नहीं फाइल कर सकते। अगर आपके एग्रीकल्चरल इनकम 5000 से ज्यादा है तब भी आप इस ITR 1 को फाइल नहीं कर सकते। अगर आपके पास टैक्सेबल कैपिटल गेन्स हैं तब भी ये फॉर्म आपके लिए नहीं है। अगर आपकी इनकम का सोर्स बिजनेस और प्रोफेशन है तब भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। अगर आपके पास एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है और उससे इनकम है तब भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। आइए दोस्तों अब डिस्कस करते हैं ITR 2 के बारे में। ITR 2 वो इंडिविजुअल और HUF फाइल कर सकते हैं जिनकी इनकम इंक्लूड करती है इनकम फ्रॉम सैलरी और पेंशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और अदर सोर्सेज में विनिंग फ्रॉम लॉटरी और रेस सोर्सेज भी इंक्लूड होता है। इन सब सोर्सेज से मिलाकर होने वाली टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा हो तब आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम है कैपिटल गेन्स है, इनकम ऑफ अ पर्सन एज अ पार्टनर इन द फर्म है, फॉरेन एसेट्स हैं आपके पास, आपकी फॉरेन इनकम है, आपके एग्रीकल्चरल इनकम 5000 से ज्यादा है तब भी आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम में किसी और पर्सन की इनकम क्लब की जानी है, वो दूसरा पर्सन जैसे आपका स्पाउस भी हो सकता है, आपका बच्चा भी हो सकता है, तो आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं, बट उस बंदे की इनकम भी इन्हीं कैटेगरीज में फॉल करनी चाहिए जो हमने अभी बताई। दोस्तों, वो इंडिविजुअल जिन्हें बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम हुई हो वो ITR 2 फॉर्म फाइल नहीं कर सकते। आइए अब जानते हैं ITR 3 के बारे में। ITR 3 फॉर्म स्पेशली उन इंडिविजुअल्स और HUFs के लिए है जिन्हें इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से होती है। इंडिविजुअल और HUF के अलावा कोई और एंटिटी जैसे कंपनी, पार्टनरशिप फर्म एक्सेट्रा ITR 3 नहीं फाइल कर सकते। आइए दोस्तों अब बात करते हैं ITR 4 के बारे में। ITR 4 फॉर्म उन इंडिविजुअल्स, HUFs एंड पार्टनरशिप फर्म्स के लिए है जिन्हें इनकम अर्न होती है बिजनेस से या प्रोफेशन से, एंड जिन्होंने प्रिजम्प्टिव इनकम स्कीम ऑप्ट करी है एज पर सेक्शन 44AD, सेक्शन 44ADA एंड सेक्शन 44AE ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। हालांकि अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है तब आपको ITR 3 ही फाइल करनी होगी। दोस्तों, ITR 5 फॉर्म है फॉर्म्स के लिए, LLPs के लिए, AOPs यानी एसोसिएशन ऑफ पर्संस के लिए, एंड BOIs यानी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए। आइए अब जानते हैं ITR 6 के बारे में। ITR 6 एप्लीकेबल है उन कंपनीज के लिए जो सेक्शन 11 के अंदर कोई एग्जम्पशन क्लेम नहीं करती। कंपनीज क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11 वो कंपनीज होती हैं जिनकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी किसी चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए हो। दोस्तों, नेक्स्ट एंड लास्ट आता है ITR 7। ITR 7 फॉर्म उन पर्सन इंक्लूडिंग कंपनीज के लिए है
जिनको अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4A और सेक्शन 139 सबसेक्शन 4B और सेक्शन 139 सबसेक्शन 4C और सेक्शन 139 सबसेक्शन 4D। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो देखने के बाद आप बहुत ही क्लियर होंगे कि आपको आपकी इनकम टैक्स रिटर्न किस फॉर्म में फाइल करनी है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें इस वीडियो को। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।